हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हरियाणा के एक वीडियो और डिस्कस करते हैं। देखिए, उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं कि आपके लिए ये 18वां लेक्चर है मेरा। 18वां लेक्चर है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट जो है हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा ये इसके साथ 18 हो जाएगी, 4 डिस्ट्रिक्ट हमारी बचेगी सिर्फ। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी, और मैं कोशिश करूंगा आज और कल में ये आपके लिए खत्म कर सकूँ, तो क्योंकि एग्जाम आपका जल्दी आने वाला है। देखिए, जींद हमारा बचा है, उसके बाद कुरुक्षेत्र हमारा बचा है, पानीपत हमारा बचा है और हिसार हमारा बचा है। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं सिर्फ हमारे। 18 डिस्ट्रिक्ट आज कवर हो जाएंगे, बिल्कुल इनमें से छोड़ना नहीं है। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कराने की कोशिश की है ताकि कुछ छूटे ना। सेंसस की वीडियो भी मैंने आपको कराई है, बेसिक जो हमारे जो सीएम वगैरह है, या फिर जो गवर्नर है, या फिर एचसीएस से रिगार्डिंग जो भी जो चेयरमैन है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कहाँ पे ये सब है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं करा चुका हूँ। एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखिए मैंने क्या क्या आपके लिए कराया है। ये देखिए, अंबाला कराया, भिवानी, दादरी मैंने कराया आपके लिए, सेंसस मैंने अलग से कराया, फरीदाबाद, हरियाणा का बेसिक मैंने कराया कि कौन सा नेशनल फ्लावर है और ये सब चीजें, ठीक है, और नेशनल बर्ड कौन सा है, ये सॉरी नेशनल नहीं, हरियाणा का बर्ड कौन सा है, फिर हरियाणा की हिस्ट्री मैंने कराई आपको, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीजें हैं वो मैंने कराई, फिर ग्रुप डी वैकेंसीज वगैरह के बारे में तो भी बताया गया था। इसके अलावा एक मैंने पूरा पेपर कराया है, क्विज के अंदर मैंने पूरा पेपर आपको कराया है कि 2014 में कौन कौन से पेपर आए थे। ठीक है, तो देखिए आज जो है 18 लेक्चर्स ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा सेंसस ये सब डिस्कस किया हुआ है, आप देख लीजिए 2011 का सेंसस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, चलिए। और ये देखिए, जो ये अपना यूट्यूब का चैनल है, इसका नाम चेंज कर दिया है, डिजिटल गुरुकुल कर दिया है, डिजिटल आईएएस से, क्योंकि थोड़ा सा रीच जो है बढ़ानी है अभी, और भी एजुकेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो इसलिए जो है थोड़ा रीच बढ़ानी है, क्योंकि और भी लोग मेहनत करें। मेरे पास थोड़ा टाइम की स्कार्सिटी रहती है, तो मैं 2-3 वीडियो ही दे पाता हूँ दिन की। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ लेकिन आपके जो है पूरा चीज़ें मिलती रहे। चलिए, आज पढ़ेंगे यमुनानगर के बारे में। ठीक है, यमुनानगर सबसे पहले मैप देख लीजिए, यमुनानगर कहाँ है। देखिए, ये यमुनानगर है, ठीक है, और यहाँ से यमुना गुजरती है ईस्ट से, यानी कि यमुनानगर के ईस्ट से यमुना गुजरती है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि आपको वेस्ट से गुजरती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। यमुनानगर यहाँ पे है, कौन कौन सी बाउंड्री लगती है, अंबाला की बाउंड्री लगती है, यहाँ कुरुक्षेत्र की बाउंड्री लगती है, और यहाँ पे करनाल की बाउंड्री लगती है। ठीक है, और हो सकता है आपका पेपर भी यमुनानगर के अंदर हो, कोई भी जो पेपर होगा। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यमुनानगर के बारे में। देखिए, यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर बोला जाता था, ठीक है, अब्दुल्लापुर भी बोला जाता था, तो डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आ सकता है, अब्दुल्लापुर किसको बोला जाता था, तो बोला जाता था यमुनानगर को। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा देखिए प्लाईवुड की जो यूनिट्स हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ प्लाईवुड भी है यहाँ पे जो, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके आपके रिगार्डिंग पेपर, यानी कि सबसे ज्यादा कागज कहाँ पे बनता है, प्लाईवुड कहाँ पे है हरियाणा के अंदर बनती है, तो ये आपको मिलेगा यमुनानगर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि बहुत जो टिम्बर इंडस्ट्री है वो बहुत लार्ज इंडस्ट्री है यमुनानगर के अंदर। देखिए, ओल्डर टाउन भी है यहाँ जगाधरी, ठीक है, ओल्डर टाउन है ये। इसके अलावा कहते हैं इट इज यूज टू बी ग्रीन क्लीन और प्रॉस्पर इंडस्ट्रियल सिटी होती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, बहुत गार्बेज वगैरह हो गया, जो इंडस्ट्री बढ़ गई है इसके कारण। इसके अलावा मेजर इंडस्ट्रीज देख लीजिए, बिल्ट हो गया, सरस्वती शुगर मिल्स, याद रखिए इस चीज को। इसके अलावा ISGEC, भारत स्टार्च मिल, ठीक है, और डिस्टिलरी की भी जो है एक यूनिट है यहाँ पे यमुनानगर के अंदर, तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। ये कहते हैं यमुनानगर हैज द रिवर यमुना इट्स नेम सेक रनिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट विच फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री विद नेबरिंग सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मैंने मैप के अंदर दिखाया, यहाँ यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, उसके साथ जो है बाउंड्री बनाते हुए यमुना यहीं से निकलती है। इसके अलावा बोलते हैं दिस बाउंड्री ऑल्सो स्टेट बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है यमुना जो है, यहाँ पे आपका यमुनानगर और यहाँ पे सहारनपुर है, सहारनपुर है यूपी के अंदर। ठीक है, तो एक बाउंड्री बनाता है यूपी के साथ। और ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो सेपरेट्स यमुना सिस्टम फ्रॉम सतलुज रिवर, जो यमुनानगर एक तरह से सतलुज का यहाँ पे आएगा और यमुना यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे यमुनानगर। ठीक है, देखिए सतलुज का यहाँ पे, यहाँ से एरिया जा रहा है और यहाँ से जा रहा है यमुना, ये यमुना है, यहाँ सतलुज और यहाँ यमुनानगर है, तो इसलिए एक तरह से डिस्ट्रिक्ट सेपरेट करती है यमुना सिस्टम को पूरा सतलुज सिस्टम से। ये कहते हैं फ्रॉम यमुनानगर यमुना रिवर एंटर्स द प्लेन एरिया इन द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब यमुना रिवर ऊपर से आ रही, तो सबसे पहले जो पहाड़ियों से प्लेन के अंदर आएगी तो वो यमुनानगर के अंदर ही आती है। इसके अलावा देखिए, और माना जाता है कि हिस्टोरिकल रिवर सरस्वती भी यहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से, आदि बादरी से।
ठीक है, आदि बादरी या बादरी जो भी इसको बोलते हो आप, तो यहां से जो है हिस्टोरिकल रिवर सरस्वती भी ओरिजिनेट होती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में कि हिस्टोरिकल जो रिवर सरस्वती, ऐसा माना जाता है कि अब तो ये बिल्कुल लुप्त हो गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अशोका का जो पिलर है, ठीक है, तोपरा अशोका पिलर जो है दिल्ली के अंदर, ये भी जो है यहीं पे, ये गांव था यहीं पे जो है मिला था यमुनानगर के अंदर। ठीक है, तोपरा कला के अंदर जो तोपरा का अशोका का पिलर है दिल्ली के अंदर, वो आपको दिखाई देगा, वो कहां पे मिला था, यमुनानगर के अंदर। ये फैक्ट काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी देखिए काफी जो हरप्पन ब्रिक्स यहाँ पे स्टोन्स वगैरह पाए हैं, इनके हरप्पा का जो पूरा कल्चर था उस टाइम की, कुछ यहाँ पे ईंटें वगैरह या पत्थर वगैरह पाए गए हैं उस टाइम के यमुनानगर के अंदर। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल देख लेते हैं, नोटेबल इंडिविजुअल कौन कौन है। संजीव राजपूत है, अर्जुन अवार्ड इनको मिला शूटिंग के अंदर। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट फीमेल थी जिनको ओलंपिक मेडल मिला था। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिए इस चीज को। रानी रामपाल वुमेन हॉकी प्लेयर हैं ये। सुनील दत्त के बारे में सुना ही होगा आपने, संजय दत्त के फादर एक्टर भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, ये भी यहीं से बिलोंग करते थे। उसके बाद दीपिका ठाकुर इंडिया हॉकी के उसके अंदर है ये, ठीक है, फील्ड हॉकी प्लेयर। उसके अलावा सुमित पासी, ये फुटबॉल प्लेयर है, इंडियन नेशनल टीम के अंदर भी चुने गए हैं, जमशेदपुर के अंदर भी चुने गए हैं। उसके बाद कन्वर पाल गुजर, ये स्पीकर हरियाणा के रहे हैं। ठीक है, कन्वर पाल गुजर ये भी कहाँ से रहे हैं, आपका यमुनानगर से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, दो तीन पांच, देखिए आपको लगेगा नई चीजें, लेकिन चार पांच बार रिवाइज करेंगे ना सब चीजें आपके, जब ऑप्शन दिखेगा आपको बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे आप। रिलीजियस प्लेस देखिए, कपाल मोचन है, ठीक है, गुरुद्वारा किला साहिब, ये हम डिस्कस करेंगे अभी, मैं पिक्चर्स दिखा के आपको करूंगा। उसका चिट्टा मंदिर है, सरस्वती उद्गम स्थल है, गुरुद्वारा श्री गुरु तेज बहादुर साहिब, ये बुढ़िया ये वाला भी हम पढ़ेंगे, पंचमुखी हनुमान मंदिर भी हम देखेंगे, आदि बादरी। उसके अलावा प्राचीन सूर्य कुंड ये देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एक अलग डिस्टिंक्शन है इसकी। उसके बाद पटेलेश्वर टेम्पल, ठीक है, तो ये हम सारे रिलीजियस प्लेस अभी देखेंगे। इसमें सिर्फ नोटेबल जो पर्सनैलिटीज हैं वो आपको याद रखनी है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए, एक तो शुगर की प्रोडक्शन यानी कि गन्ने की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है, यमुनानगर के अंदर। उसके अलावा बोलते हैं सिटी प्रोड्यूस शुगर मशीनरी, पेपर मशीनरी, यानी कि पेपर से क्वेश्चन आ जाए शुगर से आ जाए, तो कौन सा आंसर लगाना आपको, यमुनानगर। अलोंग विद हाईली एफिशियंट इक्विपमेंट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के भी इक्विपमेंट्स यहां पे बनते हैं, विच आर शिप्ड टू वेरियस रिफाइनरीज अक्रॉस द कंट्री, यानी कि काफी रिफाइनरीज में ये जो इक्विपमेंट्स बनते हैं पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के, ये भी भेजे जाते हैं। ये कहते हैं सिटी इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, प्लाईवुड के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे इजी एक्सेसिबिलिटी है किसकी, प्राइमरी जो रॉ मटेरियल है पॉपुलर ट्री जो है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मिल जाता है, इसलिए जो है टिम्बर वगैरह यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। देखिए एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, तहसील के नाम जो है मैं बताना भूल गया आपको यमुनानगर की। देखिए एक तो जगाधरी है, ठीक है, उसके अलावा है छछरौली, ठीक है, छछरौली है, उसके बाद आप बिलासपुर है, उसके बाद रदौर है, ठीक है, और खिजाबाद, ये सारी कौन सी तहसील है, खिजाबाद। तो पांच तहसील अगर याद रख सकते तो अच्छी बात है, मेजर मेजर जगाधरी वगैरह ये सब तो जरूर याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये कहते हैं कि रिसेंटली थोड़े दिन पहले देखिए रिलायंस इंडस्ट्री ने भी दीनबंधु छोटू छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है वो भी यमुनानगर के अंदर सेटअप करने की बात जो है इंस्टॉल किया है, ठीक है, सेटअप नहीं इंस्टॉल किया है। इसके अलावा देखिए बात करें, ये बोलते हैं हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा जिसको बोलते हैं, हैज डन मेजर डेवलपमेंट वर्क इन द लैंड स्ट्रेच लिंकिंग द सिटी विद जगाधरी, जगाधरी के साथ लिंक किया गया है, और एक तरह से ट्विन सिटी है, जगाधरी प्लस यमुनानगर, ठीक है, एक तरह से ट्विन सिटी। एक ट्विन सिटी और कहाँ पे है बताइए, मैंने आपको सेकेंड या थर्ड जो है लेक्चर के अंदर बताया था, याद कीजिए अम्बाला, ठीक है, अंबाला, अंबाला सिटी तो ट्विन सिटी है, वो भी ध्यान रखिए। इसके लिए जगाधरी को जो एक तरह से ब्रास सिटी के उस पर भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और सब एक तरह से ब्रास ब्रास मार्केट कहाँ पे है ये भी मैंने बताया, रेवाड़ी के अंदर। तो ये दो तीन बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको डिस्टिंक्शन समझ आने लगेगी। ये कहते हैं यहाँ पे ब्रास और स्टेनलेस स्टील के जो है यूटेंसिल्स काफी मिलते हैं। वेस्टर्न यमुना कैनाल जो है, ठीक है, ऑफ यमुना रिवर फ्लो वन साइड ऑफ द सिटी, जो कनाल बनाई गई यमुना रिवर से, कनाल बनाई गई पानी देने के लिए, तो वो भी जो है वेस्टर्न यमुना कनाल, वो भी जो है एक साइड में आपको सिटी के दिखाई देगी। और ये बोलते हैं दिस कैनाल सर्व द इरीगेशन नीड्स ऑफ फार्मर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न यमुना कनाल। ये बोलते हैं कनाल हैज सेंचुरी ओल्ड पाथवे, देखिए इस कैनाल के जो है एक पाथवे यानी कि पूरा रास्ता बना हुआ है जिसे कि पथरी बोलते हैं, ठीक है, पथरीज ऑन द बोथ साइड विच सर्व ए कनेक्टिंग रूट बिटवीन द विलेज
इवन टुडे, आज भी जो है कनेक्टिंग रूट की तरह वो काम करती है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, मैंने जस्ट बताया, जो मिला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, ये देखते हैं। हर्बल नेशनल पार्क, याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं सिचुएटेड इन विलेज छुहारपुर, ठीक है, छुहारपुर यमुनानगर के अंदर, पाउंटा रोड है ये, देख लीजिए अगर यमुनानगर के, तो आप ज्यादा इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं गया नहीं उधर। तो ये जो है सिचुएटेड छारपुर विलेज के अंदर हर्बल नेशनल पार्क है, और ये माउंटेनियस बेल्ट है एक तरह से शिवालिक की, तो इसलिए यहाँ पे रिच डाइवर्सिटी मिलती है। मेडिकल मेडिसिन से रिगार्डिंग प्लांट जो है, प्लांट वगैरह दिखेंगे आपको, मार्केट डिमांड रहेगी, यहाँ काफ़ी है मार्केट प्लांट्स, मेडिकल प्लांट्स की, नेशनल और इंटरनेशनल उस पर। उसके बाद एक्सप्लोइट किया जाता है कॉमर्शियली जो है इस रीजन को, जो यहाँ की रिसोर्स वेल्थ है इसकी, मेडिकल मेडिसिनल जो रिसोर्स वेल्थ है उसको। इसके अलावा इसको जो है छोटू देवीलाल हर्बल नेशनल, सॉरी नेचुरल नेचर पार्क भी कहा जाता है, वैसे हर्बल नेचर पार्क है, और इसको अगर आधे जो है चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क तो भी इसी को लगाना है, ठीक है आपको। और ये कहते हैं कंजर्व एंड प्रोपगेट द रिसोर्स बेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल इन हरियाणा। तो बेसिक बात है, याद रखिए हर्बल पाथ, पार्क पाथवे, या नेचर पाथ, या चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क, ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा यमुनानगर के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल्सर बोलते हैं इसको, कल्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे भी आप प्रनाउंस करते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, बस याद रखना है चीज को, ठीक है। कल्सर बोलते हैं कुछ लोग, कालीसर बोलते हैं, तो वो बोलने का अपना अपना जो है, हो सकता है वहां पे जो एग्जैक्ट, जो वहीं पे आप जाएंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। एक आप काम कीजिए, जैसे आपका एग्जाम निमट जाता है ना, मैं थोड़ा सा आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप एक बार जो है पूरे हरियाणा की चीजों को जो है विजिट कीजिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाइए, एक दो दिन रुकिए, वहां की जो मेजर चीजों को देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा कि आपको जो है हरियाणा की अपनी जो सारी चीजें वो पता चले, जो हरियाणा का है, जो नहीं है वो तो ठीक है अपने स्टेट के अंदर घूम सकता है। मैंने जस्ट एक आपको एक सलाह दी है, इससे आपको काफी मजा आएगा, चीजें पढ़ने के बाद जब देखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान कलेसर, इस भी इसको बोलते हैं कलेसर वन यमुनानगर, और यहाँ पे आपको टाइगर्स वगैरह भी दिखाई देंगे और अलग अलग स्पीसीज दिखाई देगी। ये कह रहे हैं कि ये जो है लोअर हिल्स जो है शिवालिक की, वहां पे सिचुएटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यमुनानगर, मेनली द फॉरेस्ट, साल यहाँ मिलेगा, खैर यहाँ मिलेगा, शीशम यहाँ मिलेगा, आंवला यहाँ मिलेगा, ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो याद रखना है कलेसर कहाँ पे है, कलेसर, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुनानगर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छनेती बुद्धिस्ट स्तूपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलेसर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत ज्यादा, 3 स्टार मैंने दिए, समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कह रहे हैं 3 किलोमीटर है जगाधरी से, और यहाँ पे ग्रेट टोम्ब है, ये देखिए दिखाई दे रही है, ये बुद्धिस्ट का स्तूपा टाइप है, ठीक है, और ये राउंड शेप में है, और ओल्ड बुद्धिस्ट का स्तूपा की जो उसमें मिलेगा, और हुआंग सिंह जो चाइना से आए थे, ये कहते हैं कि ये कब बनाया गया था, उनके अकॉर्डिंग ये अशोका के टाइम बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छनेती बुद्धिस्ट स्तूपा कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में कहाँ है, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। और ये मौर्यन किंग, ये सब, ये सारी डिटेल आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल नहीं पूछी जाएगी, ये जस्ट ये दिया हुआ था ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपका अगर मन करता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ दिया नहीं हुआ, कैसे बना हुआ है वो सब जो है बुद्धा के बारे में, जो आप स्तूपा पढ़ा होगा उससे ही आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा डिवोशनल कुछ साइट्स देख लेते हैं, बिलासपुर, उसके बाद कपाल मोचन जो है, ये कहते हैं बिलासपुर टाउन जो है नेम्ड आफ्टर द राइटर ऑफ महाभारत, ठीक है, महर्षि वेद व्यास है उसके ही नाम पे जो है, बोलते हैं कि इस हिस्टोरिकल प्लेस जो है ये काफी फेमस हुआ है। इट वॉज सपोज दैट देर वॉज एन आश्रम ऑफ वेद व्यास, वेद व्यास जी का आश्रम था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए जो है इस एरिया जो है बिलासपुर है यहाँ की बात कर रहे हैं। उसके बाद है बन संतूर, ठीक है, ये भी कलेसर जो है उसके आसपास ही है, ये बोलते हैं इट्स सपोज टू बी कनेक्टेड विद किंग शांतनु, महाभारत के जो किंग थे शांतनु, उनसे जो है ये रिलेट करता है एरिया, ठीक है, ये विलेज है एक तरह से बन संतूर। उसके अलावा है बुरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग टाउन है जगाधरी का, 3 किलोमीटर दूर है जगाधरी से, 8 किलोमीटर यमुनानगर रेलवे स्टेशन से, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं इट इज सेड दैट हनुमान केम हेयर फॉर हंटिंग इन शिवालिक फॉरेस्ट, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी है यहाँ पे हंटिंग करने आए थे, मेड अप ए रंग महल, और यहाँ पे जो है रंग महल बना दिया, और मैनी पीपल गेस द रिलेशन ऑफ रंग महल ऑफ बुदिया बुदिया टू बीरबल, वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, और कुछ लोग जो है इसको बीरबल से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सुध, ये है अमदालपुर, ठीक
है, अमदालपुर सूद, यहाँ पे एक ये कहते हैं पतंजलि रोट अबाउट दिव्य वंदन विच प्रूव टू बी प्रेजेंट इन 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी की बात करें, पतंजलि ने जो है यहाँ पे दिव्य वंदन जो है लिखी थी, और इसके बारे में लिखा था, कहते हैं टुडे द सूर्य कुंड टेम्पल इन अमदालपुर रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडिड मेडिवल इंडिया। यहाँ पे सूर्य कुंड जो टेम्पल है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है मेडिवल इंडिया की, जो एक तो स्प्लेंडियस जो यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसके बारे में। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, याद कर सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, पंचमुखी हनुमान टेम्पल। ठीक है, 5 मुख हैं इसके, हनुमान जी के 5 जो है चेहरे दिखाई देंगे अगर ये टेम्पल आप कभी विजिट करते हैं तो, यही इसकी खासियत है, और ये भी आपको यमुनानगर के अंदर ही दिखेगा। ठीक है, इसके बाद है मेला कपाल मोचन। मेला कपाल मोचन, ये देखिए ये मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, ये कह रहे हैं फेमस हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस कपाल मोचन मेला विल बी हेल्ड ऑन ईव ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जो है बिलासपुर के अंदर ये भरता है। ये कहते हैं कपाल मोचन इज ऑल्सो नोन एज गोपाल मोचन, इसको गोपाल मोचन भी बोला जाता है। उसके अलावा कहते हैं कपाल मोचन इज ए नेचुरल होलो नियर द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर के बैंक में माना जाता है। दिस प्लेस इज ऑल्सो विजिटेड बाय गुरु गोविंद सिंह, जो है यहाँ पे जो बैटल हुई थी, ठीक है, भंगनी 1679 में, तो ये कह रहे वहीं यहाँ पे जो है विजिट किया था गुरु गोविंद सिंह ने भी, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। और ये कहते हैं द्रौपदी और जो 5 पांडव थे ये भी जो है इस होली प्लेस पे आए थे। ठीक है, मेला कपाल मोचन, जिसको और क्या बोलते हैं, ये मोचन मोला सॉरी कपाल मोचन बोलते हैं और गोपाल मोचन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है संतपुरा गुरुद्वारा। ये देखिए संतपुरा गुरुद्वारा पूछा जाए तो कहाँ पे होगा, यमुनानगर के अंदर। ये कहते हैं संतपुरा गुरुद्वारा इज ए सिख रिलीजियस प्लेस, इज ए सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। ये मतलब वहीं पे आपको मिलेगा, यमुनानगर के अंदर ही ये गुरुद्वारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है, तेजा वाला जो बैरेज है ये एक्चुअली अभी तो नहीं रहा है, डीकमीशन कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाए। देखिए तेजा वाला बैरेज जो है ये कहते हैं डीकमीशन कर दिया गया है, ये ओल्ड बैरेज था, यमुना रिवर पे इसको बनाया गया था। ठीक है, एक तरह से बांध जिसको बोल सकते हो। और ये कह रहे हैं 1873, सोचिए यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो है 15-20 साल के आसपास ही इसको बना दिया गया था। ये जो यमुना का रिवर का पानी है उसको रेगुलेट करता है, और यूपी और हरियाणा के अंदर जो है 2 कनाल इससे निकलती थी, और ये जो वेस्टर्न यमुना कनाल और ईस्टर्न यमुना कनाल, तो वेस्टर्न किधर आएगी, हरियाणा के अंदर, ईस्टर्न कहाँ जाएगी, वो यूपी के अंदर। ठीक है, इस तरह इसको बनाया गया था। अब 1999 में यहाँ पे क्या बना दिया गया, हथनी कुंड बैरेज, जो कि जो है इसने पूरा जो तेजा वाला बैरेज था उसको बिल्कुल जो है खत्म कर दिया, और अब यहाँ क्या बन गया, हथनी कुंड बैरेज बन गया। तो तेजा वाला जो बैरेज है वो आउट ऑफ सर्विस है, यानी कि अभी काम में नहीं है। और हथनी कुंड जो बैरेज है उसमें देखिए मछली वगैरह पकड़ते हैं फिशरमैन, तो उसको हेवन ऑफ फिशरमैन भी कहा जाता है, एक तरह से स्वर्ग कहा जाता है, किसका, फिशरमैन का, किसको, हथनी कुंड बैरेज को, याद रखिए इस चीज को। उसके बाद है फोर्ट ऑफ बुरिया। बुरिया के बारे में हम बात कर रहे थे, रंग महल के बारे में बात कर रहे थे, ये मैं दिखाता हूँ, और भी इसकी पिक्चर्स थी लेकिन एक ही देख के याद कर लीजिए। ये कहते हैं बुरिया इज एन एंशियंट टाउन इन डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, एंशियंट टाउन है ये, सिचुएटेड नॉट फार फ्रॉम द रिवर, यमुना के जो है बिल्कुल पास में ही है। हेयर एट बुरिया एग्जिस्ट फोर्ट एग्जिस्ट सिख रूलर वगैरह ने यहाँ फोर्ट भी बनाया था। इट दिस फोर्ट स्टैंड्स ऑन ए रेज ग्राउंड विद स्पेशल फीचर और बेसिन, वो सब बेसिक चीजें हैं। ये कहते हैं चीफ चीफ कोर्टियन ऑफ एम्परर शाहजहां, शाहजहां के जो चीफ जो थे यानी कि जो कोर्ट वगैरह के चीफ थे, उन्होंने ये कह रहे हैं बिल्ट प्लेजर हाउस, यहाँ पे जो है प्लेजर हाउस बनाया था, 3 स्टोरी प्लेस है, इसको रंग महल बोला जाता है, तो याद रखिए। और उसके अलावा बोलते हैं कि देखिए बीरबल जो है जो अशोका अकबर के साथ जो है रहते थे, वॉज सपोजडली बोर्न एट बुरिया, और वो यहीं पे जो है बोर्न हुए थे, तो बी फॉर बुरिया और बी फॉर बीरबल, याद रखिए इस चीज को, हो सकता है पूछ लिया जाए बीरबल जो है कहाँ पे बोर्न हुए थे, तो कहाँ पे हुए थे, बुरिया, बुरिया कहाँ पे है, यमुना नगर के अंदर, इसको बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए इसके अलावा देखिए ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, चिट्ठा मंदिर है, चिट्ठा मंदिर, ये कह रहे हैं कि 70 साल पुराना है ये, और यहाँ पे कौरव पांडव जो है यहाँ भी जो है लड़ाई हुई थी, तो इसलिए जो ये व्हाइट कलर का है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसके अलावा सूर्य कुंड मंदिर, ये काफी फेमस है, इसका रीजन क्या है, देखिए ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो पूरे इंडिया में 2 ही ऐसे टेम्पल है, 2 ही मंदिर है जहाँ पे कोई असर नहीं होता, एक तो कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का, एक सूर्य कुंड मंदिर, ये कहाँ का है, यमुनानगर का, तो ये कहते हैं 2 ही ऐसी जगह, तो इसलिए सूर्यकुंड मंदिर को जो है थोड़ा सा ये बातें होने के कारण जो है फेमस ये माना जाता है, यानी कि सोलर एक्लिप्स का कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, याद रखिए इस चीज को। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं छोटे मोटे। देखिए ये सडोरा,
ठीक है, सढ़ोरा, ये कह रहे तीन फेमस यहाँ पे टेम्पल्स दिखेंगे आपको, ठीक है, इन टेम्पल्स का याद रखिए, गागर वाला, ठीक है, मनोकामना, उसके बाद है तारो वाला, तो तीन यहाँ पे फेमस टेम्पल है, कहाँ पे, सगोरा के अंदर, ठीक है, सगोरा के अंदर। और ये कहते हैं बुद्धू शाह का गुरुद्वारा भी है यहाँ, ठीक है, बुद्धू शाह का गुरुद्वारा भी है, बुद्धू शाह के नाम से यहाँ एक गुरुद्वारा भी बनाया गया, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मुस्तफाबाद है, ठीक है, मुस्तफाबाद, तो इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया अभी तो मुस्तफाबाद का, इसको सरस्वती, देखिए हुआ सरस्वती नगर इसको बना दिया गया है। और ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पे माना जाता है मुस्तफाबाद, क्योंकि सरस्वती नगर क्यों बनाया गया, क्यों ऐसा माना जाता है कि सरस्वती रिवर यहाँ से फ्लो करती है, और इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे सरस्वती विकास बोर्ड भी बनाया, जिसके चेयरमैन कौन है, चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा मुस्तफाबाद का नाम भी चेंज कर दिया, ये भी यमुनानगर के अंदर ही है। और ये ऐसा माना जाता है कि 60% जो आपके गोले बारूद होते हैं ना, गोला बारूद के जो बॉक्स होते हैं, ठीक है, बक्से होते हैं, उनको जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, 60% यहीं पे होती है। वैसे ही देखिए बक्से किसके बनेंगे, जो आपके लकड़ी, और लकड़ी कहाँ पाई जाती है, मैंने बताया सबसे फेमस जो है लकड़ी का जो पूरा ये होता है, ये यमुनानगर के अंदर है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्री, यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है, जैसे मैंने बताया पेपर वगैरह सबसे ज़्यादा यहीं पर बनता है, और शुगर केन गन्नों की जो प्रोडक्शन है वो भी हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर होती है। उसके बाद बिल्ट जो है फुटबॉल स्टेडियम भी यहाँ आपको मिलेगा यमुनानगर के अंदर। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी, एक सेकंड में, दो 3 सेकंड में लूंगा, आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए अब्दुल्लापुर बोलते थे यमुनानगर को, प्लाईवुड यूनिट है यहाँ पे, जगाधरी ओल्डेस्ट टाउन है, कुछ जो है सरस्वती शुगर मिल, भारत स्टार्च मिल, ये सब मिलेगी आपको, यमुना रिवर गुजरती है, यमुना का जो दो, यानी कि एक वेस्टर्न कनाल है, ईस्टर्न कनाल, वेस्टर्न कनाल जो है वो जाती है यमुनानगर के अंदर, सरस्वती का भी ओरिजिनेशन पाया गया है यहाँ पे, तोपरा का जो अशोका का पिलर था दिल्ली के अंदर जो है वो भी ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो है यहाँ से जो यहीं पे मिला था, उसके बाद उसको दिल्ली ले जाया गया, उसका कर्णम मल्लेश्वरी हो गया, सुनील दत्त और ये सब जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, संजीव राजपूत, अर्जुन अवॉर्ड, ये भी यहीं पे आपको बिलोंग करेंगे यमुनानगर से। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए, ब्रास सिटी भी कहा जाता है जगाधरी को, ट्विन सिटी भी है जगाधरी एक तरह से, और यहाँ पे रिलायंस का जो है एक तरह से दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट भी आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलर ट्री बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन। हर्बल नेचुरल पार्क है, और कलेसर का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, और छनेती बुद्धिस्ट स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कुछ डिवोशनल साइट्स भी मैंने बताई, याद रख सकते तो ठीक है। पंचमुखी हरि हनुमान मंदिर है, पांच मुख है, मेला कपाल मोचन, जिसको कि गोपाल मोचन भी कहा जाता है, वो यहाँ पे जो है मेला भी यहाँ लगता है, सतपुरा जो सॉरी संतपुरा गुरुद्वारा भी आपको मिलेगा, तेजा वाला बैरिज आपको याद रखना है, फोर्ट बुराई का जो फोर्ट है, रंग महल जिसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, और उसके बाद चिट्ठा मंदिर और सूर्यकुंड मंदिर आपको मिलेगा। और जो आपको मैंने कुछ चीज़ें और बताई, जैसे मुस्तफाबाद है उसको सरस्वती नगर चेंज कर दिया गया है, 60% जो गोले बारूद के बक्से हैं वो यहीं पे बनते हैं, और पेपर सिटी भी यमुनानगर को कहा जाता है, और हाईएस्ट शुगर केन है, ठीक है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो है इसकी PDF भी डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको रिविजन पेपर के टाइम काफ़ी आसानी हो जाए। तो आपको डिजिटल गुरुकुल करके जो है टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको PDF भी मिलती रहे, काफ़ी मैंने PDF डाल दिए, धीरे धीरे करके जो है 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट की PDF डल जाएगी, ताकि आप एक दिन बैठ के पूरा हरियाणा को रिवाइज कर लें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।